अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन रोल पराठा की रेसिपी। तो किस तरीके से ये चिकन रोल पराठा तैयार होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आइए देखते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने एक चिकन का सीना लिया है और इसके अंदर शामिल करेंगे दही। सबसे पहले हाफ कप दही शामिल कर देंगे, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, इसके अलावा गरम मसाला है 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 लेमन का और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छा सा हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको कुक कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटा में छोड़ दूंगी चिकन को ताकि बहुत अच्छी सी ये मैरिनेट हो जाए। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं लेंगे, और इसके अंदर ये तमाम चिकन डाल देंगे। तमाम चिकन डालने के बाद अच्छा सा हम इसको कुक कर लेंगे और आप चाहे तो इसको स्मोक भी दे सकते हैं चिकन को, या फिर इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। पकने देंगे। देखिए चिकन ने पानी रिलीज़ किया है, दही का भी पानी है, इसी पानी में ये हमारी चिकन कुक हो जाएगी। पानी जैसे ही खुश्क होगा तो हम चिकन को निकाल लेंगे। तो देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है चिकन का और चिकन बहुत अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। इस आटा गूंदने के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप और इसके अंदर 1 टीस्पून में नमक शामिल करूँगी और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें। मिक्स करें दोनों चीज़ों को। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम आटा गूंद लेंगे, जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। आटा मैंने गूंद के तैयार कर दिया है, अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। असेंबल करने के लिए मायोनीज और कैचअप है मेरे पास 1/2 कप, या आप अपने मर्जी के मुताबिक जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप ले सकते हैं। मायोनीज के अंदर मैंने शामिल किया है काली मिर्च और 1/2 लीमू का रस। इसकी वीडियो मुझसे जो है वो नहीं बन पाई, तो इसको मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। और कैचअप के अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़े से ऑरिगेनो के लीव्स, और इनको भी मिक्स कर लेंगे और दोनों को हम एक साइड पे कर देते हैं। तवे के ऊपर पराठों को बना लेंगे। अब असेंबल करेंगे। पार्चमेंट पेपर लिया है मैंने, इसको हाफ कर लिया है और जो पराठे हमने तैयार किए थे इस तरीके से नीचे रखेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम चिकन का पीस। और साथ ही डालेंगे केचप और मायोनीज। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस तरीके से फैलाकर डाल दें। प्याज के लच्छे रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे हम। इस तरीके से हमारा ये चिकन रोल पराठा रेडी है। इसी तरह बाकी भी मैं तैयार कर लूँगी। तो लीजिए चिकन रोल पराठा हमारा रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेम्परिंग तैयार हुआ है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।